हेलो फ्रेंड, कैसे आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल का जो ऐप होता है गूगल कॉन्टैक्ट ऐप, दोस्तों उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट के साथ एक नया फीचर वहाँ पर एड ऑन किया गया है। क्या ये नया फीचर है, कैसे इसको यूज़ करेंगे, आगे आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआईटी टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ गूगल कॉन्टैक्ट के नए अपडेट के नए फीचर के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अपने कॉन्टैक्ट ऐप को अपडेट कर लेना है, या फिर आप जाके अगर आपके इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लेना है। ये आपको गूगल के जो एंड्रॉइड वन मोबाइल होते हैं सब में आपको प्री इंस्टॉल मिलेगी और इसी के अंदर कॉन्टैक्ट ऐप होते हैं। तो आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आएंगे आप, इसके वर्जन का नंबर देखेंगे नीचे की तरफ, इस वर्जन को देखेंगे। इसका वर्जन नंबर है 4.7.26। दोस्तों इसमें क्या नया अपडेट दिया गया है, दोस्तों इसमें ये नया अपडेट ये दिया गया है, अगर आप अपने मोबाइल में या फिर बोल सकते हैं अगर आप अपने मोबाइल में या कहीं भी अपने दिमाग में आप किसी का बर्थडे या किसी की एनिवर्सरी याद नहीं रख सकते तो आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप वहां पर वो डेट ऐड कर देंगे और वो खुद ही आपको नोटिफिकेशन बता देगा कि भैया इसका बर्थडे आ गया या इसका एनिवर्सरी आ गई। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने सेट आउट किया था, ये मुझे बता रहा है, मैंने नो नेम नाम से कॉन्टैक्ट चेंज किया था, उसका बता रहा है बर्थडे टूडे, आपको दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पर बता रहा है। तो आप यहाँ पर उसके नोटिफिकेशन भी ऐड ऑन कर सकते हैं। आपको सिंपली वहाँ जाना है, यहाँ व्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। आपको यहाँ थ्री डॉट्स पर जाएंगे तो आपको एक नया भी ऑप्शन मिलेगा ऐड बर्थडे नोटिफिकेशन करके, आप देख रहे होंगे, आप बर्थडे नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे तो जब भी उसका बर्थडे होगा आपको नोटिफिकेशन भी वो कर देगा। तो इस तरीके से इस फीचर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको किसी भी कॉन्टैक्ट पे या कोई कॉन्टैक्ट आपके पास सेव हो तो उसमें चले जाना है, या नया सेव करना हो तो आपको वहाँ जाना है, यहाँ पर उसका नाम डाल देना है। नीचे की तरफ आएंगे आपको मिलेगा सिग्निफिकेंट डेट करके, आपको यहाँ पर उसका बर्थडे को ऐड ऑन कर लेना है, जिसका भी बर्थडे, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया और यहाँ मैंने डाल दिया माय, ठीक है। और यहाँ पर डेट सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट कर ली, क्या है उस दिन बर्थडे है, क्या चीज़ आपको ऐड ऑन कर लेना है और यहाँ पर आप सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे वो सेव हो चुका है और आप यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे आपको एक नया अभी ऑप्शन थोड़ी देर बाद आता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट सेव करने के तुरंत में नहीं आता, थोड़ी देर बाद वो आपको खुद ही यहाँ पर सजेस्ट करके बता देगा कि उसका बर्थडे यहाँ पर है और आपको नोटिफिकेशन ऐड भी कर सकते हैं। आपको थोड़ी देर बाद इसको ओपन करना है तो थोड़ी देर बाद वो आपको यहाँ पर फॉर यू पे नोटिफिकेशन में हाईलाइट्स में मिल जाएगा कि उसका यहाँ पर बर्थडे, जिसका भी बर्थडे होगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और अगर आप उसको नोटिफिकेशन चाहते हैं कि जब भी उसका कोई बर्थडे हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो आप यहाँ पर थ्री डॉट्स में क्लिक करके टर्न ऑन कर सकते हैं बर्थडे नोटिफिकेशन, तो वो आपको जब भी उसका बर्थडे होगा आपको नोटिफिकेशन कर करके बताएगा, जैसे ऐड बर्थडे नोटिफिकेशन। तो ये अपडेट मुझे सही लगा यार, मैं भी बहुत ज़्यादा लोगों के भूल जाता हूँ, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर के साथ वहाँ पर सेव कर लेंगे और बाद में इजीली वो आपको खुद ही रिमाइंड कर देगा किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, तो आपके वहाँ पर किसी की लड़ाई होने से बच जाएगी। तो आप इस फीचर का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये गूगल कॉन्टैक्ट आपको ऑटोमेटिक में, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये माय बर्थडे ऑटोमेटिक आ गया, जैसा कि मैंने अभी सेव करा था, कुछ टाइम बाद आपको ऑटोमेटिक की वो सजेशन पे दे दे रहा है। तो यहाँ पर आप व्यू कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करके इसका भी बर्थडे नोटिफिकेशन ऐड ऑन कर सकते हैं। दोस्तों यही नया अपडेट था गूगल की तरफ से जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। दोस्तों जो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल की वीडियोज़ को लोग देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहा, ऐसा मत किया करो भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँ आपको सबसे नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक यू।